हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है आप सभी लोगों के कल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी लोगों को जो भी चैप्टर के मैंने आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल बताया था, जैसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, उसके मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल इसके पहले क्लास में बताया था। ये हमारी दूसरी क्लास है और इसी क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं सारे चैप्टर के, और फिजिक्स सेकंड पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जिन चैप्टर के, इसी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। बार बार अलग अलग क्लास देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी क्लास में मैं सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। समय चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, लेकिन इस क्लास में आज फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड पेपर के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो जब पेपर बैठोगे तो सारे चैप्टरों का जब यहाँ से आप रिविजन करके जाओगे, ठीक है, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकलों का, तो वहाँ पर पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप वहाँ पर पकड़ लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो कहीं से भी रखा जा सकता है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल का आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप बोर्ड पेपर में हल करने में उसको सफल रहोगे, ठीक है। चलिए हम बिना बकवास को किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को भी आवश्यकता है क्या क्लास की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की, क्योंकि आपको भी कुछ सीखना है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। लिखा है कि एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर की धारा लेने पर उसका जो विभवांतर है वो 1.6 वोल्ट हो जाता है। दो कंडीशन दी है यहाँ पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2015-16 में आ चुका है और ऐसा प्रश्न मैंने रिपीट होते हुए देखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जब आई का मान कितना है आपका 0.5 एम्पियर है भाई, 0.5 एम्पियर है, तो जो आपका यहाँ पर विभवांतर है V बराबर कितना है 1.8 वोल्ट है। तो यहाँ पर प्रथम स्थिति में अगर हम देखें, प्रथम स्थिति में, ठीक है, ये प्रथम स्थिति है, तो प्रथम स्थिति में अगर हम देखें तो आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या पढ़ा है? सूत्र पढ़ा है V इक्वल टू E माइनस का IR, पढ़ा है कि नहीं? V की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1.8, E की वैल्यू आपको पता नहीं, माइनस I की वैल्यू कितनी है आपकी, I की वैल्यू है भैया 0.5 और इंटू में R, समीकरण एक हो गई। तथा जब आपको यहाँ पर दूसरी स्थिति दी गई, आई का मान कितना है 1 एम्पियर है, ठीक है, तब V का मान कितना है 1.6 वोल्ट हो जाता है। तब यहां पर इसी समीकरण को दोबारा लगाएंगे हम, तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस का IR। हमने समीकरण को क्यों लगाया, क्योंकि प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध इसी सूत्र में आता है। तो यहां पर देखिए, V का मान कितना है आपका 1.6, E का मान कितना है आपका, E का मान पता नहीं भैया, माइनस I का मान कितना है 1 एम्पियर, इंटू में R का मान कितना पता नहीं, इसको समीकरण दो मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समीकरण एक और दो को हम इस प्रकार से हल करेंगे कि हमें E और R का मान पता चल जाए, जैसे कक्षा 10 में प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हो। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण एक है 1.8 बराबर ई माइनस का 0.5 और इंटू में आर, और यहाँ पर समीकरण दो में 1.6 बराबर ई माइनस का आर और वन का गुणा हो जाएगा केवल आर। समीकरण एक को दो से भैया घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं देखिए, घटाया, यहाँ माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 1.8 से 1.2 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 0.2, और ये प्लस माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका बचेगा प्लस का आर और माइनस का ऊपर बच जाएगा 0.5 आर, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको आगे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर बचा 0.2 बराबर, इन दोनों में आर आप कॉमन ले लीजिए तो ये 1 माइनस का 0.5 बच जाएगा, ये 0.2 बराबर आर, 1 से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, 0.5 आ जाएगा 0.2 के बटे में, है ना, बराबर कितना हो जाएगा आर, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 2/5, इसको अगर हल करोगे तो 0.5 चौको 20, ये आर है। आर क्या है भाई, ये आपका यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध था इसलिए यहाँ पर मात्रक ओम लिखा है। अब इस आर का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, स्मॉल आर का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, मान लीजिए हम समीकरण एक में क्या कर देते हैं भाई, रख देते हैं, रखने पर,
तो समीकरण एक यहाँ पर कितनी है आप देखिए, 1.8 इक्वल टू ई माइनस का 0.5 आर। आप चाहते तो समीकरण दो में भी रह सकते थे, इससे कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो 1.8 हो जाएगा, ई का मान पता नहीं, माइनस 0.5 हो जाएगा। आर की बात करें तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.4 है। तो रख दिया भाई, 1.8 इक्वल टू ई माइनस 5 और कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 20 लिखिए, 0.1 और 2 अंक आगे लगेगा तो ये आपका हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.02, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो e इक्वल टू ये 1.8 और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 0.02 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 20, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि 5 और 4 हो जाएगा 20, 0.2 अंक आगे लगेगा तो यहीं पर लगेगा, 0.2 आएगा, सॉरी गलती हो गई, 0.2 आएगा। यहाँ पर कभी कभी देखिए छोटी छोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं, गलती बस हो जाती है, हम लोग जानते रहते हैं फिर भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा देखिए दिक्कत ना लीजिए भाई, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग तो कमेंट करके परेशान करने लगते हो, सर जी ये गलत, मतलब इतना ज़्यादा कमेंट कर देते हो कि क्या बताएं। छोटी मोटी गलती, आप लोग देखिए इतना समझदार हो। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा e इक्वल टू ये 1.8 में अगर 0.2 जुड़ेगा तो ये आपका जाएगा पूरा 2.0, ठीक है। ये सेल का वैद्युत वाहक बल है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर e और स्मॉल r, e जहाँ पर सेल का वैद्युत वाहक बल था और r जो था वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध था। आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा याद रखे रहना, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखते हैं आपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका हम थोड़ा सा फिगर तो आप सभी लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, वहाँ पर लिख के आ जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, निम्न चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर एक हर साल रिपीट हो जाता है, ठीक है, और तरीका आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है और यहाँ पर धाराएँ प्रदर्शित की गई, ये ऐसी तीर है, यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा है और उसके बाद यहाँ पर ऐसे तीर दी गई, 1 एम्पियर की धारा है और यहाँ पर ये तीर इधर की ओर, ये तीर इधर की ओर है, तो इसमें 2 एम्पियर की धारा है और जो ये आपकी धारा ये आई है, ठीक है, ये आपका जो बिंदु है वो पी बिंदु है और यहाँ पर जो बिंदु है ये क्यू बिंदु है, मतलब संधि जहाँ पर है, और यहाँ पर बात करें तो ये तीर उधर की ओर है और यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा है और यहाँ पर जो तीर की दिशा है ऐसे आगे की ओर है। तीर की दिशा भाई ध्यान देते रहना, I2 हो जाएगा और ये तीर की दिशा 1.2 एम्पियर हो जाएगा और यहाँ पर ये तीर की दिशा ऐसे हो जाएगी, ये आई है और जो ये आपको पॉइंट ये आर है और ये जो तीर की दिशा ये अंदर की ओर है और इसमें धारा बह रही है 1 एम्पियर की। आपको ऐसे चित्र दे दिया जाता है और आपसे ये बोला जाता है कि निम्न चित्र में कोई भी अचर पद रहेगा उसका मान निकालना, जैसे यहाँ पर आई है तो आई का मान निकालना। तो ऐसे चित्र वाले प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो आंसर तुम्हें पता है कि तुरंत ले आओगे आप। ये बहुविकल्प में भी आ जाता है, नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में आ जाता है, जैसा प्रश्न को हार्ड कर दिया जाए। यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, चाहे आप इधर से शुरू करो चाहे इधर से, प्रयास करो कि अगर इस आई का मान निकालना तो ऊपर से शुरू करो। तो आपने किरचाप के प्रथम नियम को पढ़ा है जिसमें धारा का नियम बोला गया, तो उसमें ये बताया गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, या आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो आने वाली धारा कितनी भाई, 2 एम्पियर है और जाने वाली धारा कितनी है आपकी, 1 एम्पियर है। तो अब जा रही है, ये आ रही तो आ रही प्लस लिखा, जा रही है तो इसको माइनस 1 से लिखेंगे और ये आ रही है तो इसको प्लस, ऐसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, देखिए 2 एम्पियर, जा रही है तो माइनस लगाइए 1 एम्पियर, फिर ये आ रही है तो प्लस 2 लिखिए और इस संधि से जा रही, कौन सी जा रही है, आई जा रही है तो माइनस का आई लिखेंगे और बराबर 0। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग मैंने 0 के बराबर दिखा दिया, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे दिशा, जैसे आ रही है तो प्लस लिखा, जा रही है तो ऋणात्मक हमने ऋण चिन्ह के साथ लिखा। अब यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 4 से एक जाएगा कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा, माइनस का आई बराबर 0, तो यहाँ से आई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपने इस पी वाले बिंदु पर जो है अच्छे तरीके से हल कर लिया तो आई का मान आ गया 3 एम्पियर, ठीक है 3 एम्पियर। अब इस संधि क्यू पर आएंगे तो 3 एम्पियर आ रही है तथा 3 एम्पियर आ रही है और इस क्यू संधि से 1 एम्पियर की जा रही है और I2 जा रही है, यहाँ पर भी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर दिखा दिया। तो 3 से एक जाएगा 2 और 2 उधर जाएगा माइनस का, 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर अब देखिए इस संधि पर आएंगे R पर, तो इस संधि पर I2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 एम्पियर आ गई है, तो यहाँ पर भी हम धारा का नियम लगाएंगे, आने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर
और जाने वाली कितनी है भाई, माइनस का 1.2 है, और जाने वाली कितनी है माइनस का आई है, आने वाली कितनी है प्लस का 1 और बराबर 0। समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य के बराबर। आप चाहो तो आने वाली धाराओं का जाने वाली धाराओं के योग के बराबर दिखा सकते हो, तब भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। तो ये देखिए 2 से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0.8 बचेगा, और प्लस का 1 माइनस का आई बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये 1.8 हो जाएगा, ये 1.8 उधर जाएगा, तो माइनस का आई इक्वल टू माइनस का 1.8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू 1.8 आ जाएगा। आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.8 एम्पियर हो जाएगा। बताइए बात समझ आई कि नहीं समझ आई, महातांडव क्लास है तो महातांडव क्लास में महातांडव वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, हाँ जो एग्जाम में आए तो फंस भी जाए। चलिए इसको हम यहाँ पर भाई रफ करें ना, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, आज थोड़ा सा इसलिए हम हल्का सा धीरे पढ़ा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट में फिर उसी त्रुटि के ऊपर कमेंट, जबकि बता दो कि सर ये चीज़ हाँ हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन आप लोग भाई बहुत कमेंट कर देते हो। देखिए हम भी इंसान हैं, पढ़ाते वक्त छोटी मोटी दशमलव की प्लस माइनस की कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है, आप लोग सामने तो भाई बैठे नहीं हो, ठीक है, फिलहाल आज हम गलती नहीं होने देंगे। कल मैंने न्यूमेरिकल का क्लास डाला तो हमसे माइनस की एक प्लस के स्थान पर माइनस के स्थान पर प्लस का चिन्ह लग गया, तो आप सभी लोगों ने बहुत बड़ी कमेंट किया था, मात्र पहला प्रश्न था 1 नंबर का, ठीक है। चलिए आग बढ़ते हैं अपने इस क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी विभव मापी में, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, जितने यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे सब अलग अलग टाइप के होंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। किसी विभव मापी में 1.018 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई का मान दिया गया है, सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है यानी एल का मान दिया गया है, विभव मापी की प्रवणता ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता आप सभी को पता है, विभव मापी की प्रवणता यहां पर दिया क्या गया, सेल का विद्युत वाहक बल ई का मान दिया गया, कितना दिया गया है 1.0182, इसको मैंने लिख लिया, और आपको दिया गया है एल का मान, तथा एल का मान कितना दिया गया है आपको, दिया गया 339.4 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया, तो इसको पहले मीटर में बदल लो, 339.4 × 10^-2, अब यह हो गया मीटर में। आगे इसमें क्या बात कही जा रही है, आगे इसमें यह बात कही जा रही है कि जो विभव प्रवणता वो ज्ञात कीजिए, तो विभव प्रवणता विभव मापी में आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता के बराबर कितना होता है ई अपान में एल होता है, विभव मापी वाला जब प्रश्न पढ़ा होगा तो उसमें प्रवणता पड़ी होगी, तो के बराबर ई, ई का मान कितना है 1.0182 अपान में एल, एल का मान कितना 339.4 × 10^-2। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट तो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद चार अंक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये के बराबर कितना हो जाएगा अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 10182 अपान में 3394। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर चार संख्या है, तो यहाँ पर 3 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, और ये 10^-2 पर जाएगा, 10^+2 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, इसको आप भाग कर लीजिए, भाग करने पर आपको 0.3 वोल्ट मिल जाएगा, वोल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि के बराबर ई अपान एल था, वोल्ट प्रति मीटर मिलेगा क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस तरीके से आपको विभव प्रवणता वाले क्वेश्चन लगाने हैं। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भैया 4 की ओर। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चाहे तो आप विस्तार से लगाएं, और चाहे तो देखिए ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी इसके पहले जब न्यूमेरिकल की क्लास ली थी, इसमें बोला गया कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया था, तो इसकी ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक क्या मतलब फार्मूला ही निकल के आता है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 8 ओम का तार, मोटा तार, तो तार का जो प्रतिरोध दिया गया है वो कितना दिया गया है, तार का प्रतिरोध दिया गया है 8 ओम, ठीक, और बोला जा रहा है इसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है, एन बराबर 2 गुना दिया है, 2 गुनी कर दी जाती है, ठीक है, तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो डायरेक्ट सूत्र होता है नए तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू होता है एन स्क्वायर आर होता है, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा बहुत काम आएगा, आर डैश इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, आर डैश क्या नए तार का प्रतिरोध, एन, एन की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर कर देंगे इनटू में आर, आर का मान कितना है 8, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 8, 8 चौक कितना हो जाएगा भैया 32 ओम हो जाएगा।
नए तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा 3200। इसी तरीके से अगर 4 गुना कर दिया जाए तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 8 गुना कर दिया जाए 8 का स्क्वायर कर देंगे। नए तार का प्रतिरोध निकालने के लिए गुना जितने होगा उसका वर्ग और गुणे में तार का जो प्रतिरोध होगा उससे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और नहीं चाहो तो एक तरीका और भी है, इनके क्षेत्रफल जो है बराबर दिखाओ, ए अपन ए डैश बराबर निकालो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के भैया अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ये हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, अगर लेने की इच्छा हो नहीं तो अब तो कल पेपर है ही है, स्क्रीनशॉट लेने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि दो बल्ब दिए गए हैं 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट। यहाँ पर देखिए एक बल्ब दिया गया है, देखिए प्रत्येक बल्ब पर ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर जैसे लिखा है 60 वाट, आप कोई बल्ब खरीद कर देख लीजिए, और माइनस 220 वोल्ट, ये एक दिया गया है एक बल्ब पर ये लिखा है, और एक बल्ब पर लिखा है 40 वाट माइनस का 220 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाएगा तो 60 वाट की विद्युत शक्ति क्षय होगी। बल्ब पर प्रत्येक बल्ब पर लिखा होता है, आप देख लीजिएगा आज बल्ब उठा के, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया है कि को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्तियाँ क्या होंगी। तो चाहे तो अलग अलग पहले प्रतिरोध निकालो उसके बाद शक्ति निकालो, उस तरीके से हम निकाल लो, ठीक है। लेकिन एक देखिए छोटा सा हम आप लोगों को तरीका बताते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसमें बोला ये गया है कि बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी एक वैकल्पिक विधि होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने की वजह से जो शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी 1/P=1/P1/P2। समांतर क्रम में तो P=P1+P2 हो जाती है। अब देखिए 1/P=1/P1, इसके अगर शक्ति की बात करें तो इस ये जो है 60 वाट है। वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। 1/60 रख देंगे पहले बल्ब की, और दूसरे बल्ब की शक्ति कितनी है 40 वाट, 1/40 रख देंगे। इसको हल कर लेंगे 1/P=, ये 4 संख कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा 40 × 40 और 60 × 60, 60 × 40 100, और बटे में भैया 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1/P=1/24। तो कैंची गुणा करने पर आपको यहाँ से P बराबर मिल जाएगा 24 वाट। कुल शक्ति कितनी हो जाएगी 24 वाट। देखिए कितने सरल तरीके से मैंने लगा के बता दिया आपको, बस यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, हमारी इस क्लास का ये जो अगला प्रश्न होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, है ना। हाँ चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन/एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10^5 m/s की चाल से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न कल बताया था, तो उसमें लॉरेंज बल के बारे में बताया था। लॉरेंज बल F बराबर होता है qvb sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन/एम्पियर मीटर जो होता है वो बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये प्रश्न है हमारा छठवां। तो बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया भाई 0.1 न्यूटन/एम्पियर मीटर दिया गया है, और बोला गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, और बताया जा रहा 10^5 m/s की चाल यानी v का मान दिया गया है 10^5 m/s, और आगे बोला जा रहा है कि चाल से प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान निकालिए। लॉरेंज बल F बराबर कितना आपका हो जाएगा, लॉरेंज बल F निकालना है, तो लॉरेंज बल F बराबर हमने पढ़ा है qvb sin थीटा, यह जो सूत्र पढ़ा है। तो F बराबर क्यों का मान कितना है आपका पता है क्या, अच्छा क्यों का मान नहीं पता, तो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पर, तो क्यों का मान सभी को पता होता है 1.6×10^-19 कूलाम। V कितना दिया गया 10^5, और B का मान कितना दिया गया 0.1, और साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। F = ये आपका हो जाएगा 1.6×10^-19 जाएगा माइनस का 14, और गुड़े में 10^ गुड़े में 0.1 है और साइन 90 की वैल्यू 1, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, F बराबर आ जाएगा 16
गुणे 10^-14 और ये 10^2 ऊपर जाएगा तो 10^-2, या आप इसको लिख सकते हो, ये अगर 16 वैसे लिखा रहने देता, ये एक जीरो ना बढ़ाता तो 10^-1 ऊपर जाता, ये ठीक रहेगा। देखिए ये 1.6 हो जाएगा और गुणे 10^-14 से -1 -15 हो जाएगा। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने लॉरेंज बल का मान निकाला है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1.6×10^-15 न्यूटन, ये बल हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। भाई देखिए इतनी गर्मी है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी बड़ी क्लास ले रहा हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई, है ना। आपका एग्ज़ाम भी कल है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है कि जैसे आप सभी लोगों का मैथ का प्रश्न पत्र पढ़ाने से फंस गया। आप देख सकते हो कि एक दिन पहले मैंने आप लोगों को जो दो क्वेश्चन बताया तो पूरा पूरा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो भाई, अच्छे अंक आप जरूर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भैया 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि दो लंबे सीधे तार, ठीक है। हाँ ये देखिए ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है जिस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है। इसको तैयार जरूर कर लीजिए। दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि F/L बराबर, सूत्र पढ़ा है दो समांतर तारों वाला, ठीक है। तो F/L बराबर होता है μ0/2πI1I2/ भाई कितना होता है R, ये सूत्र सभी को आता है। अब देखिएगा इस प्रश्न में, ये प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया गया है L=10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10×10^-2 मीटर, बस नहीं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 5 एम्पियर की धारा, दोनों में 5 एम्पियर यानी I1 बराबर I2 बराबर आपको दिया गया है 5 एम्पियर की धारा। जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको लिखते चले जाओ, ऑटोमेटिक सूत्र याद आ जाएगा, 5 एम्पियर की धारा हो गई भाई। और क्या दिया गया यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो दूरी होती दोनों तारों के बीच की स्मॉल आर, स्मॉल आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 2.51 सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो μ0/4π की वैल्यू आप सभी लोगों ने पढ़ी है, 10^-7 होती है, तो 2π की वैल्यू निकालेंगे तो 2×10^-7 हो जाएगी, ठीक है। मात्रक सभी को पता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, सूत्र से आपने निकाला है। अब यहाँ पर आपको इस सूत्र का यूज कर देना है, आपको बल का मान निकालना है। तो F/L का मान कितना है, 10×10^-2, μ0/2π का मान कितना है, 2×10^-7, गुड़े में I1 I2 का मान कितना है, I1 I2 दोनों 5×5 यानी 25, और बटे में आ जाएं R स्मॉल R का मान कितना है, 2.5×10^-2। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको काट के बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में काटना नहीं, 10^-2 से 10^-2 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये पॉइंट हटा तो यहाँ पर आपका 10 बढ़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 से पूरा 25 कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ में। अब देखिए आपका बचेगा क्या भाई, आपका F=, ये बटे में 10 उधर चला जाएगा गुड़े में, तो जाएगा 20×10×10^-7, इसको ले सकते हो F=2×10^2, 20 का मतलब +2 और +2 -7 -5, तो ये आपका जो बल आ जाएगा वो 2×10^-5 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने बल निकाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या बोला जा रहा है, अगर देखना है तो प्रश्न आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सब लेटेस्ट प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं आप सभी लोगों के समक्ष, और ये प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कोई छोटी सी परिभाषा पूछ ली गई या कोई लघु उत्तरी प्रश्न पूछ लिया गया, छोटा सा निगमन और उसके साथ लगा दिया गया न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30° का कोण बनाता है भाई, यदि इस पर 4.5×10^-2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितित ऊर्जा क्या होगी। छड़ चुंबक की जो स्थितित ऊर्जा का सूत्र होता है, चुंबकीय पार्ट में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक में, U=-MV cos थीटा, लेकिन M क्या होता है,
चुंबकीय द्विध्रुव। सबसे पहले हम चुंबकीय द्विध्रुव यहाँ पर ज्ञात करेंगे। दिया क्या क्या है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2020 में पूछा गया है। बी इज कंटिन्यूस चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, कितना दिया गया 4.5 टेस्ला दिया गया है। जो टेस्ला होता है ये आपका एसआई मात्रक होता है, तो उसको बदलने कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद क्षेत्र के साथ कोण कितना बनाती है, थीटा बराबर 30 डिग्री। और आगे क्या बोला जा रहा है, यदि इस पर 4.5×10^2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी आपको टाउ बराबर दिया गया है 4.5×10^-2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी यू बराबर आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोग क्या जानते हो, यहाँ पर टाउ दिया गया है आप जानते हो, वी नो दैट आप जानते हो कि अगर हमें यू का मान निकालना तो माइनस का एम बी कॉस थीटा सूत्र लगाएंगे हम, लेकिन हमको एम का मान नहीं पता है, तो हम जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है। टाउ बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है एम बी साइन थीटा। क्या पढ़ा है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ का मान दिया गया 4.5×10^-2। एम का मान आपको यहाँ पर कितना दिया गया भाई, एम का मान पता है, पता ही नहीं। और बी, बी का मान कितना पता है, 4.5, और इनटू में साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो ये आपका आ जाएगा 4.5×10^-2 और बटे में आ जाएगा 4.5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो m गुड़े साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आपका इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 2×10^-2। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने m का मान निकाला, यानी ये आपका आया है चुंबकीय द्विध्रुव आया है। अब हम क्या निकालेंगे, छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा। तो छड़ चुंबक की आप स्थिति ऊर्जा पूरा लिखोगे, स्थिति ऊर्जा ही केवल लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में भाई। छड़ चुंबक की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो माइनस का एम बी कॉस थीटा होती है। अब यहाँ पर देखिएगा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एम, एम का मान आया 2×10^-2, और बी, बी का मान कितना आया है भाई, बी का मान आपको दिया था 4.5, और साइन 30 यहाँ पर कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है जो साइन 60 के होते हैं, यानी √3/2। चलिए इसको इधर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये हो जाएगा यू इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 होता है 9, तो 9 माइनस का हो जाएगा 10^-2, और यहाँ पर देखिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यू इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 9×10^-2, √3 का मान 1.732 होता है, और बटे में आपका 2, 2 से 9 को अगर काटोगे तो फिर वही आपका 4.5 लिखना पड़ेगा। यू इक्वल टू माइनस का 4.5 का मल्टीप्लाई 1.732 से कर लेंगे, × 10^2 आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो यू इक्वल टू आपका क्या आंसर निकल के यहाँ पर आने वाला है, आपका आंसर माइनस का आएगा 7.8×10^-2 आएगा आगे भी, लेकिन हम 2 अंक तक लिखेंगे। ये हमारी स्थिति ऊर्जा है, और स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट हो सकता है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा भी रफ करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक को भैया हम H से लिखते हैं, और ऊर्ध्वाधर घटक भी दिया गया, ऊर्ध्वाधर घटक को V से लिखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि हैं, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण निकालना है। नति कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स V / H होता है, तो ये यहाँ पर लगाएंगे। देखिए पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्षैतिज घटक, यानी h का मान आपको दिया गया है 0.3×10^3, कितना दिया गया, माइनस का 4 Wbm². और v का मान कितना दिया गया, v का मान दिया गया 3√3×10^5 Wbm². और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नति कोण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो नति कोण थीटा बराबर निकालना है हमें, तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम पढ़े हैं कि टैन थीटा बराबर, सूत्र में पढ़ा होगा V/H, तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा V, V की वैल्यू है 3√3×10^-5, और H का मान आया है 0.3×10^-4।
इस ये पॉइंट हटाओगे तो ये माइनस पाँच हो जाएगा, माइनस पाँच दस की पावर माइनस पाँच कैंसिल हो जाएगा, तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल रूट तीन आ जाएगा। और रूट तीन जो होती है वो टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो टेन थीटा बराबर टेन सिक्सटी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सिक्सटी डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो आपका नथ कोण आ जाएगा वो सिक्सटी डिग्री आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर और भी इस क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, संपूर्ण चुंबकीय, क्या निकालना है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आपने पढ़ा है H बराबर, क्या पढ़ा है, B cos थीटा, तो यहाँ से आपको B निकालना है, तो B बराबर हो जाएगा H अपान में cos थीटा, तो B इक्वल टू H। H की अगर बात करें तो पॉइंट तीन गुड़े कितना है, पॉइंट तीन गुड़े दस की घात माइनस चार, और अपान में cos थीटा के स्थान पर अगर बात करें तो cos 60 है ना, तो ये b इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.3 इंटू टेन की पावर माइनस का 4, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका b का मान आ जाएगा 2/3 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 4। ये तीव्रता है, इसका मात्रक भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, तो ये आपका जाएगा 0.6 इंटू टेन की पावर माइनस का 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारी इस क्लास का था भैया क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बिना समय को लॉस किए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का रूट तीन गुना हो तो उस स्थान पर नत कोण का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न 2017-19 में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखते हैं और प्रश्नानुसार जो बात कहेगी उसको लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक के मान का, क्षैतिज घटक एच होता है, इसके मान का रूट तीन गुना हो तो नत कोण का मान निकालना है। आप लोग जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है भैया वी अपान में एच। तो टैन थीटा बराबर वी, वी की वैल्यू है रूट तीन एच और बटे में एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, रूट तीन आ जाएगा, रूट तीन होता है टैन सिक्सटी की वैल्यू, टैन थीटा बराबर टैन सिक्सटी, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा ही क्या होता है, नत कोण होता है। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ही टॉप का, क्या है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, तो 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिसका स्वप्रेरकत्व तो अन्योन प्रेरकत्व तो नहीं आता है, याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 3.0×10⁻³ हेनरी है, एल से प्रदर्शित करते हैं, और यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी के नियम भी पढ़े होंगे। यहाँ पर दिया क्या गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल का मान दिया गया है, एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान दिया गया है 3×10⁻³, 3.0×10⁻³ हेनरी, ये तो दिया गया है, हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, और समय दिया गया है 0.1 सेकंड में, है ना, जो धारा का मान है यानी I1 का मान पहले 5 था एम्पियर और बाद में I2 बराबर कितना हो जाता है 0 एम्पियर हो जाता है। तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना, हम जानते हैं E की गणना करना है, तो E बराबर आपने पढ़ा है माइनस का L डेल I अपान में भैया डेल T, यही तो होता है। तो E बराबर माइनस का L, L की अगर बात करें तो कितना है 3×10⁻³, और डेल आई बराबर हो जाएगा I2 - I1 यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे डेल टी का मान कितना है 0.1 सेकंड। ये आपका हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3×10³, है ना, माइनस का 3 है, और यहाँ पर आ जाएं तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू 0, 0 - 5, तो ये माइनस का भैया 5 हो जाएगा केवल, ऐसे लिख देंगे इसको 0 - 5, है ना। आपको कोई भी अपने मन से जो है परिवर्तन नहीं करना कि केवल 5 लिख दो, और अपान में टी का मान कितना भाई 0.1 दिया है। ये वैद्युत वाहक बल, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, माइनस 5, देखिए 5 कितना हो जाएगा माइनस प्लस 15×10⁻³ और बटे में 0.1 यानी ई बराबर आपका हो जाएगा 150×10⁻³। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इसको और आप सुटेबल तरीके से लिखना चाहो तो 0.15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।
देखिए दशमलव जितना आप इधर बढ़ाओगे, जैसे 3 अंक आगे इधर बढ़ा लिए तो यहाँ पर आपका प्लस का 3 जुड़ जाएगा और 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक, तो इसके इस प्रकार से आपका यहाँ पर कितना आ गया, आपका यहाँ पर आ गया, निकालना था विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी। 3-4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। बढ़ते हैं एक होमवर्क प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ये आप सभी का होमवर्क है। ठीक है, अगर आपने इस सवाल को समझा है तो इस सवाल को लगा के दिखाइए जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक दिया गया 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की निकालना है इसी सूत्र से। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, उसको आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर आपको दिया गया है। फाई बराबर क्या दिया गया है आपको, दिया गया है 4t³ माइनस क्या दिया गया है 5t² और दिया गया है क्या माइनस का 10t और प्लस का 70 वेबर है। ये फाई का मात्रक हो गया, वेबर है। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर हमें ज्ञात करना है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है माइनस का d∅/dt। इसका मतलब ये है कि हमें जो फाई का मान दिया है, जो समीकरण दी हुई है, इस समीकरण का हमें टी के रिस्पेक्ट में पहले अवकलन करना होगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यहाँ पर बायो के होंगे उनको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और फाई का मान कितना दिया गया है 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70। तो ये इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, देखिए अवकलन करेंगे तो माइनस पहले बाहर रहने दो, ये 4 कितना हो जाएगा 12 और टी की पावर 1 घट जाएगी तो 2 और ये आपका हो जाएगा 5 × 10 माइनस का 10t और ये केवल माइनस का 10 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 70 अचर पद का अवकलन 0 होता है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए आपको मिलने वाला है E=, ठीक, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से हमें मिल गया है 12t² माइनस का 10t माइनस का 10, यही तो मिला है। अब E का जो मान निकालना है वो t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तब t बराबर 2 सेकंड पर हमें क्या निकालना है E का मान। तो माइनस का ये 12 × 2² = 4 माइनस 10 × t का मान 4 माइनस 10, तो ये E=2 हो जाएगा माइनस 12 × 4 कितना हो जाएगा 12 × 4 = 48 माइनस 10 × 4 = 40 माइनस का 10, तो E=2 माइनस का 48 से 40 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 माइनस 10 माइनस का 2 माइनस 2 का गुणा इधर हो जाएगा प्लस का 2। ये विद्युत वाहक बल था, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं त्रुटि हो गई है क्या भाई, देखिए भाई क्या त्रुटि हुई। हमने लिखा 2 2² कितना होता है भाई 4 होता है, माइनस 10 × 2 और उसके बाद माइनस का 10 है, इसको हल कर लेते हैं 12 × 4 = 48 होता है, 10 × 4 = 40 होता है माइनस का 10। ठीक है, इतना तो सही है आपका 10 × 4 = 40, ये 4 कहाँ से रख दिया भाई, ये टी बराबर में 2 रखना है ना, तो ये 4 यही गड़बड़ हो गया है 20। बस थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर, माइनस 48 से आपका 20 जाएगा तो आपका बच जाएगा 28 माइनस का 10, ये आपका 28 से 10 जाएगा 18 बचेगा, माइनस का 18 वोल्ट बचेगा। ठीक है ना, माइनस का 18 वोल्ट आपका बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना जो ये मैंने लगाया 18 वोल्ट ये आता है। ठीक है, अवकलन करने के लिए समीकरण आती जरूर है, कोई ना कोई क्वेश्चन बना के देंगे जरूर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भैया 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात, फेरों की संख्या प्राथमिक यानी NP और बटे में द्वितीयक यानी सेकेंडरी NS, इसका रेशियो दिया गया है 1/200। कितना दिया गया है 1/200। बोला जा रहा है कि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो प्राथमिक कुंडली की सुरों के बीच अगर हम यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो VP का यहाँ पर मान दिया गया है, कितना दिया गया 200 वोल्ट, उसको लिख लेंगे भैया। और आगे देखिए प्रश्न में, ध्यान से प्रश्न पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आगे दिया गया है और धारा
प्राथमिक कुंडली में जो आपको धारा दी गई यानी आईपी का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक, आगे बात पूछी जा रही है ये कि मेन से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान निकालना है, यानी आई एस का भी मान हमें निकालना है यहाँ पर और वी पी का मान पता है तो वी एस का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, सूत्र सभी को याद होना चाहिए, वी एस अपान में वी पी बराबर कितना होता है एन एस अपान में एन पी, सभी को याद है, वी एस का मान हमें निकालना है अपान में वी पी, वी पी का मान 200 है बराबर एन एस, एन एस का मान आपको पता है, एन एस का मान देखिए 200 है ना, एन एस का मान नहीं पता है क्या, लेकिन एन पी अपान एन एस का मान पता है भाई हमें, जब एन पी अपान एन एस का मान पता है तो एन एस अपान एन पी का मान उल्टा कर देंगे 200/1 हो जाएगा, तो यहाँ से वी एस का मान निकालेंगे तो वी एस बराबर आ जाएगा 200 का गुणा कर लेंगे, 2 2 4 2 0 का गुणा 4 0 वोल्ट लिख देंगे, 40,000 वोल्ट आ गया। अब देखिए आपको आई एस का मान भी तो निकालना है, वी एस का मान तो तुमने निकाल लिया, तो आई एस का मान निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना है, आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सूत्र वी पी गुणे में आई पी बराबर वी एस और गुणे में आई एस, ठीक पढ़ा है ना, इस सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, जब इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए वी पी, वी पी का मान हमें कितना पता था क्वेश्चन में 200, आई पी का मान हमें क्या पता है भाई, आई पी का मान 2 एम्पियर, वी एस का मान अभी निकाला 40,000 वोल्ट, और हमें आई एस का मान ज्ञात करना है, यानी जो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली है उसमें हमें धारा का मान निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 1 2 0 से 2 0 ख़त्म और ये 2 2 4 से ये 4 भी ख़त्म, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 1 2 0 लिख लेंगे गुड़े में आई एस, ये 100/1 में आ जाएगा, तो आई एस का मान 1/100 एम्पियर हो जाएगा, या इसको आई एस बराबर आप पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे ठीक है, ये 1 हो जाएगा 0.01 एम्पियर, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इस टाइप का अगर प्रश्न आता है, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, दोनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का यूज हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, हम बढ़ेंगे अपने क्लास के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, सारे यहाँ पर ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए हैं, अब आ चुके हैं हम सेकंड पेपर पर, फर्स्ट पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रफ कर देते हैं, सेकेंड बुक की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण जो है कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। सेकेंड बुक में सारे चैप्टरों से लगभग न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, जैसे अर्धचालक वगैरह वगैरह है, लेकिन उससे प्रश्न बहुत आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करें, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि एक उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस उसका अपवर्तनांक एन बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1.5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 15। और उसके बाद बोला गया है कि जो उत्तल लेंस उसका तो अपवर्तनांक 1.5 दिया है कि वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी f बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको आप चाहो तो इसमें तो सेंटीमीटर में बदलना नहीं है, इसे जल जो जल माध्यम दिया है उसका अपवर्तनांक n डैश बराबर दिया है 4/3, सभी को पता होना चाहिए 1.33 होता है, डुबोने पर जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, मान लीजिए डुबो दिया जाता है जब लेंस को जल में तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, f डैश हो जाती है, हमको इसी का मान निकालना है, तो सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/f बराबर एन माइनस 1 1/r1 - 1/r2 से, इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो f का मान कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, n का मान कितना है 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान नहीं पता है, तो ये 1/1.5 से 1 जाएगा 0.5 बचेगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये केवल 5 हो जाएगा, 0.5 का गुणा करेंगे 10 से 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1/r1 - 1/r2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब जब इस लेंस को हम कहाँ पर डुबो देते हैं, जल में डुबो देते हैं, तो जल में डुबो देते हैं तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पर एन डैश है, फोकस दूरी मान लीजिए उसकी एफ डैश हो जाती है, पुनः इसी सूत्र को लगाएंगे तो ये सूत्र बदल जाएगा 1/f'=(n-1) और यहीं पर वही सूत्र 1/r1 - 1/r2 से,
एक बटे एफ डैश की वैल्यू भैया हमें पता नहीं, इसी का मान निकालना है। एन डैश का मान दिया है, उसका मान दिया है 4/3 - 1, और इसका मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण ए से 1/5 आया है। यहाँ पर लिख देना ब्रेकर में समीकरण एक से, इसको हल कर लेंगे 1/f'=2, 3 × 1 = 3, 4 × 3 जाएगा 1/3 और गुड़े में 1/5 यह आ जाएगा 1/15। कैंची गुड़ा करेंगे तो यहाँ से जो एफ डैश का मान आ जाएगा नहीं, फोकस दूरी जो आ जाएगी वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यानी जल में डूबोने पर जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पहले फोकस दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी मैंने जल में डुबो दिया तो फोकस दूरी क्या हो गई भाई, बढ़ गई। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई। हमारी इस क्लास का जो अगला क्वेश्चन होगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर भैया 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 16 भैया बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण। प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, आपको पता है जो कि दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण होता है, और विचलन कोण डेलम से प्रदर्शित करते हैं, दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। इन्होंने बोला है कि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो प्रिज्म कोण ए है वो किसके बराबर है, वो न्यूनतम विचलन कोण डेलम के बराबर है, ये बराबर है आपस में। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है एन बराबर, आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा ही है, एन इक्वल टू कितना होता है साइन ए प्लस का डेल एम और बटे में 2 और बटे में साइन ए बाई 2, यह सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है। इसी सूत्र को यूज करके हम यहाँ पर एन का मान निकालेंगे, तो ये जाएगा साइन ए प्लस ए किसके बराबर, डेल एम के बराबर, या डेल एम ए के बराबर है तो ए रख सकते हो बटे में 2, आप चाहो तो डेल एम के स्थान पर ए रख रहे, हम रख रहे हैं, आप चाहो तो ए के स्थान पर डेल एम रख सकते हो, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 2a से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, है ना, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एन इक्वल टू साइन ए के हाफ एंगल वाला यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन ए बाई 2 और एन टू में कॉस ए बाई 2, थोड़ा सा गणित का रूल यहाँ पर रख रहा है, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2, साइन ए का हाफ एंगल का फार्मूला, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 कॉस ए बाई 2 आ गई, यानी अपवर्तनांक हमारा कितना हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। तो यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आपसे बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये बोला जा रहा है, प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ ही चुका है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो दिया गया है, प्रकाश के वेग को सी से लिखते हैं, है ना, सी से ही लिखते हैं ना, नहीं नहीं भाई, प्रकाश का वेग सी तो होता है लेकिन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दिया गया तो इसका मतलब वी का मान दिया है। वी का मान कितना दिया गया, 1.5 × 10 की पावर कितना दिया गया है, 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। आगे बात करें यहाँ पर, इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है। आपने पढ़ा है कि क्रांतिक कोण जो होता है वो अपवर्तनांक पर डिपेंडेंट होता है, साइन सी बराबर 1/n, तो यहाँ पर सी क्या है भाई, क्रांतिक कोण है, तो हमें इस सी का मान निकालना, तो सबसे पहले अपवर्तनांक निकालना होगा, और अपवर्तनांक के लिए आपने पढ़ा है एन बराबर होता है सी अपान वी, क्या पढ़ा है, सी अपान वी होता है। अब सी जो होता है प्रकाश की चाल होती है 3×10^8, है ना, और बटे में v का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 1.2×10^8, तो n बराबर यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 × 2 = 30, 2 आ जाएगा केवल, क्योंकि 10^8 से 10^8 भी कैंसिल हो जाएगा, ये अपवर्तनांक हो गया। तब क्रांतिक कोण निकालेंगे तो साइन c बराबर 1/n, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो साइन c बराबर हो जाएगा 1/2, साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती, तो c बराबर कितना आ जाएगा भैया 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है, 2014-2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, ये 17 था। बोला जा रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है
पदार्थ का अपवर्तनांक को ए से लिखते हैं, वो है आपका कॉसेक ए बाई टू। कितना है? कॉसेक ए बाई टू है। तो ये बताइए न्यूनतम विचलन कोण डेलिम का मान कितना होगा? न्यूनतम विचलन कोण को डेलिम से ही तो प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान कितना होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस को थोड़ा सा समझिएगा। आपने पढ़ा है एन बराबर साइन ए प्लस का डेल एम बटे में दो, और पूरे के बटे में होता है साइन ए बाई टू, पढ़ा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए एन, एन का मान कितना है? एन का मान यहाँ पर है भैया कॉसेक ए बाई टू इक्वल टू साइन ए प्लस का डेल एम और बाई में टू और पूरे के बटे में साइन ए बाई टू। थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर खाएंगे। कोसेक ए बाई टू को लिखा जा सकता है एक बटे साइन ए बाई टू, लिखा जा सकता है कि नहीं? साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस का डेल एम बाई में टू और इक्वल टू वन हो जाएगा। तो साइन ए प्लस का डेल एम बाई में टू इक्वल टू, ये साइन वन किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन से साइन तुलना करने पर दोनों पक्षों में हट जाएगा, तो ए प्लस का डेल एम बाई में टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, बटे में एक मानेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो कैंची गुणा करने पर आप देखिए एक का गुणा ए प्लस डेल एम से हो जाएगा, तो ए प्लस डेल एम हो जाएगा इक्वल टू 90 का गुणा दो से हो जाएगा, 90 दुना 180। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा था आपसे, ये बोला जा रहा था कि डेल एम का मान क्या होगा। तो डेल एम का मान निकालेंगे तो डेल एम बराबर आ जाएगा 180 बटे ए, यही हो जाएगा। ए का मान दिया तो है नहीं प्रश्न में, ए का मान दिया होता तो डेल एम का मान ए के पदों में ना आता, ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर भैया 18 आपकी इस क्लास का। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, है ना? क्वेश्चन समझ में आप सभी लोगों को आ ही रहे होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का प्रश्न भी मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, व्यतिकरण चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तीव्रता या तो आयाम पर आता है या तो फिर एक परिणामी आयाम वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, तीव्रता इंटेंसिटी आई वन बटे आई टू, इसका मान दिया गया है 81/49। आपसे ये पूछा जा रहा है उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, यानी ए वन बटे ए टू का मान हमें निकालना है। आप सभी लोग सूत्र क्या पढ़े हो? आप सभी लोग सूत्र पढ़े ये हो कि आई वन बटे आई टू आप जानते हो, वी नो दैट, आप ये चीज़ जानते हो कि आई वन बटे आई टू बराबर होता है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर और बटे में ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए I1 बटे I2 का मान है 81/49 इक्वल टू ये A1 प्लस A2 और बटे में A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा 81/49 बराबर A1 प्लस A2 और बटे में A1 माइनस A2 हो जाएगा। 81 का अंडर रूट 9 हो जाएगा, 49 का अंडर रूट 7 हो जाएगा और ये A1 प्लस A2 और बटे में A1 माइनस A2 हो जाएगा। कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9A1 माइनस का 9A2 बराबर ये 7A1 माइनस और प्लस का 7A2 हो जाएगा। आपको A1 और A2 का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो ये 9A1 हो जाएगा, 7A1 इधर लाएंगे माइनस का 7A1 और ये 7A2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का 9A2 हो जाएगा। 9A1 से 7A1 जाएगा तो ये 2A1 बच जाएगा और 7A2 प्लस 9A2 ये आपका जाएगा 16A2, 2 से इसको काटेंगे 8 जाएगा तो ये A1 और ये A2 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A1 बटे A2 का मान कितना निकल के आया? 2/8 16 यानी 8/1। हमें इन दोनों का अनुपात ही तो निकालना था, इनके आयामों का अनुपात यानी A1 बटे A2, वो कितना आ गया आपका? 8/1 आ गया। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम बढ़ेंगे अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे यह बोला जा रहा है कि यदि किसी तरंग का परिणामी आयाम व्यतिकरण के बाद ए हो, जबकि प्रकाश स्रोत से संबद्ध कला स्रोत का आयाम भी ए है, तब दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा? अब देखिए आप सभी लोगों ने परिणामी आयाम का सूत्र पढ़ा है। परिणामी आयाम क्या होता है? R² = A1² + A2² +
प्लस का 2a1 a2 और इंटू में कॉस फाई। बताइए सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले। अब कंडीशन ये दी गई है कि जो a1 है और जो a2 है ये किसके बराबर, a के बराबर। देखिए क्या बोला गया, यदि किसी तरंग का परिणामी आयाम व्यतिकरण के बाद क्या हो भाई, a हो, ठीक है, जबकि प्रकाश स्रोत से संबंध कला स्रोत का भी आयाम भी a हो, a1 a2 सब a के बराबर है, ठीक है, r के बराबर है। ये भी बताया गया है कि प्रकाश स्रोत से संबंध कला स्रोत का आयाम भी a है, मतलब यहाँ पर बात की जाए तो परिणामी आयाम r भी a के बराबर है, ये सब आपस में बराबर है a के बराबर। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका जो है वो कलांतर कितना होगा, नहीं फाई का मान कितना होगा, r के स्थान पर भी a रख देंगे तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस का 2 a का गुणा ए स्क्वायर इन टू में भैया cos फाई। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चलिए इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर स्क्वायर 2 ए स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर cos फाई हो जाएगा, ए स्क्वायर से 2 ए स्क्वायर जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर cos फाई हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा 2 आ जाएगा 1 के बटे में इक्वल टू आपका हो जाएगा cos फाई। तो cos फाई इक्वल टू cos कितने की वैल्यू माइनस 1 बटे 2 होती है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, तो फाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कलांतर आपका 120 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप सभी को उम्मीद करते हैं, और ऐसा प्रश्न आता है तो आप सभी लोग लगा भी लोगे, ठीक है ना, लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल लगा लोगे। अब ऐसे प्रश्न नहीं लगा पाओगे तो क्या लगा पाओगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को, इसको चाहे होमवर्क समझ लीजिए और चाहे तो मेरा हिंट समझ के आप लगा लीजिए, 2020 में भी आया 2019 में भी आया। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, आई मैक्स बटे में आई मिन मिनिमम का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आई वन बटे आई टू का मान 1:2 दिया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनके आयामों का अनुपात निकालोगे, यानी ए वन बटे ए टू का मान निकालोगे तो 1:3 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब व्यतिकरण में देखा जाए तो आई मैक्स निकालेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और आई मिन की वैल्यू ए वन माइनस ए टू, तो दोनों का रेशियो क्या करेंगे इनकी तीव्रताओं के अनुपात के बराबर हम दिखाएंगे। तो यहाँ से जब ए वन प्लस ए टू, चलो थोड़ा बता ही देते हैं, ऐसे बताएंगे तो तुम लोगों को, क्वेश्चन तो स्क्रीन पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर पहले आई वन बटे आई टू का रेशियो 1:9 दिया गया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो I1 बटे जो I2 होता है वो A1 स्क्वायर बटे में A2 स्क्वायर के बराबर होता है, तो A1 बटे A2 बराबर अंडर रूट 1:9 आ जाएगा, यानी 1:3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो I max होती है और बटे में I min तीव्रता, उसका सूत्र होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो I max बटे में I min इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा I max बटे में I min का हमें जब मान निकालना है तो देखिए हमने A1 बटे A2 का मान निकाला 1:3, तो A1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी A2 बटे में 1:3 में A2 इधर गुणे में आ जाएगा तो A2 बटे में 3 आ जाएगा। इस यहाँ पर मान रख देंगे, A1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम A2 बटे में 3 और प्लस का A2 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे और बटे में आ जाएंगे, A1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं A2 बटे में 3 और माइनस का A2 हो जाएगा, एक ही के पदों में हम बदल लेंगे जिससे हल करने में आसानी रहे। आई मैक्स बटे आई मीन का मान निकालना है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यह हो जाएगा 3 a2 आपका हो जाएगा 4 a2 बटे में 3 इसका स्क्वायर और बटे में ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 a2 और बटे में 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 16 a2 स्क्वायर और बटे में 9 हो जाएगा, और ये 4 a2 स्क्वायर और बटे में 9 हो जाएगा, 9 से 9 a2 से स्क्वायर से a2 स्क्वायर कैंसिल, 4 चौक 16 ये 4:1 आ जाएगा, यानी आई मैक्स बटे आई मिन का अनुपात कितना आ जाएगा 4:1, ठीक है। देखिए भाई गर्मी बहुत है, 4:1 आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ये 21 था, अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिए भाई बोरियत महसूस नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम हैं और अभी क्लास समाप्त ही होने वाली है, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल लगभग में हो जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा झिर्री वाला, इसको भी बता देते हैं, कई बार आया एग्जाम में, यंग के एक द्विझिर्री प्रयोग में स्लिट के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है, स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 0.4
एमएम है, ठीक है। और बोला गया प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा स्क्वायर टू आपको दिया गया है, लैम्डा स्क्वायर टू कितना दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और बोला जा रहा है कि 2 मीटर दूर रखे पर्दे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। उसके बाद बोला गया है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें यानी एम का मान दिया गया है 5। फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, फ्रिंज की दूरी निकालना है तो फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है भैया, 2m - 1 d λ / d। सभी लोगों ने पढ़ा है स्मॉल डी नहीं होता, 2d होता है, स्मॉल 2d होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और इनटू में स्मॉल m की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, माइनस का 1, और कैपिटल d की वैल्यू कितनी है 2, और लैम्डा की वैल्यू है 6000। एंगस्ट्रॉम को बदल लेंगे 10^-10 मीटर, ठीक है, इसको लिख लेना आगे 6000 × 10^-10, अब ये मीटर में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4, 1 मिलीमीटर बराबर 10^-3 मीटर, ठीक, बटे में 2, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी आप देख सकते हो 0.4 × 10^-3। हल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 × 1 = 4 है ना, और 2 + 4 = 20, ये 15000 हो जाएगा, और 10^-10 से 10^-3 जाएगा, 10^-7 बच जाएगा, 5 × 10 = 10 से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 × 15000 और × 10^-7, बस इसका गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो गुणा करने पर ये कितना जाएगा 15 × 9 = 135, ठीक, और × 10^3 = 10^+3 ले सकते हो, 10^-7, तो 135 × 10^4 ये आपका हो जाएगा −4। दशमलव और आगे बढ़ाओगे तो 1.35 आ जाएगा और × 10^-2 आ जाएगा। ये आपने दूरी निकाला है, दूरी यहाँ पर मीटर में आएगी क्योंकि एंगस्ट्रॉम को मीटर में आप सभी लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब बोला जा रहा था कि फ्रिंज चौड़ाई, इसी में 2 क्वेश्चन थे, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र सभी को रट्टा होना चाहिए भाई, फ्रिंज चौड़ाई निकालना है यहाँ पर, तो फ्रिंज चौड़ाई W = d λ / d होता है, तो W = कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर है और लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 6000 और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10^-10, बटे में स्मॉल डी की अगर बात करें तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 × 10^-3, W = ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 × 5 हो जाएगा 20, 5 × 6000 और × 10^-10 और बटे में 10^-3, इसको 10^-7 लिख लो क्योंकि −3 से −, जब ऊपर जाएगा तो ये −7 बच जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, 6 × 5 = 30 और 3 0 और बढ़ा लीजिए और × 10^-7, इसको ले सकते हो आप W = 3.0 × 10^4, 1 2 3 4 अंक आगे बढ़ाओगे तो उधर हो जाएगा −3। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, चौड़ाई है मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। आज के क्लास के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लग रहे हैं भाई, कमेंट करके हमें बताइए, इतना पसीना आप सभी लोगों के लिए बहा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, पसीना हम भी बहा रहे हैं और हमारी लाइट भी बहा रही है, इसीलिए बार बार बंद हो जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, जो कि हमारे इस क्लास का लगभग लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 था, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है, थोड़ा सा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा रब कर देते हैं। देखिए इसमें से हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक दो ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10^3 m/s की चाल से गतिमान है, इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, V = दिया गया है 5.5 × 10^3 m/s, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है आपसे कि लैम्डा का मान निकालिए, ठीक है, लैम्डा बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है H/P होता है या H/mv होता है कि नहीं होता है। H की वैल्यू कितनी है भैया 6.6 × 10^-34 होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। m अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10^-31 kg होता है, और गुड़े में v वेग का मान यहाँ पर दिया गया है 0.5 × 10^3। अब इसी को हल कर लेना, तो क्या आप लोग हल भी नहीं कर पाओगे, हल कर लेना, जो आएगा उसको एंगस्ट्रॉम में बदल लेना, ठीक है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में आपको बदलना रहेगा। तो जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, तो 1 मीटर बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10^10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, 10^10 बटे में जाएगा, ऊपर जाएगा 10^+10 हो जाएगा।
तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेना, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में ही लिखना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यहाँ से देखेंगे न्यूमेरिकल आएगा जरूर, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी गई है, लैम्डा इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 2.0 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 2×10⁻¹⁰ आपसे ये बोला जा रहा है कि कण का संवेग क्या होगा। तो लैम्डा इक्वल टू आपने पढ़ा है कि एच अपान में कितना था, पी होता है, संवेग निकलना है तो पी बराबर आपका हो जाएगा एच अपान में लैम्डा, एच की वैल्यू थी 6.6×10⁻¹⁴ और लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2×10⁻¹⁰, हल कर लीजिएगा संवेग पी का मान आ जाएगा। बताइए आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हमारी नज़र में आए, मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में पुट होता है तो आप सभी लोगों को इन्हीं सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल मिलने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेस्ट चल रही होगी, ठीक है, और हो भी गई होगी लगभग में। चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।